सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, साथ के साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में कैसे और क्या लिख के आना है। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स यूनिट 3 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स। स्टूडेंट्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर को स्टडी किया और उन्होंने हमें ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो मैटर के साथ 3 प्रोसेसेस के थ्रू इंटरेक्ट करती हैं। वो 3 प्रोसेसेस होती हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, जिसको हम इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन और तीसरा होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 बेसिक प्रोसेसेस हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो 3 ही हमारे पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स होते हैं। एक होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए, एक होता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। आज के इस टॉपिक में हमें देखना है कि उन आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। जो हमारे पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए आइंस्टाइन कोफिशिएंट होगा उसको हम B12 से डिनोट करेंगे, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए आइंस्टाइन कोफिशिएंट होगा उसको हम A21 से डिनोट करेंगे, और जो हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आइंस्टाइन कोफिशिएंट होगा उसको हम B21 से डिनोट करेंगे। तो B12, A21 एंड B21 में आपस में क्या रिलेशनशिप है, वही आज के टॉपिक में आइंस्टाइन कोफिशिएंट नाम के टॉपिक में आज हमने वही रिलेशन निकालना है। और ये क्वेश्चन जो है आपको 4 या 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो स्टूडेंट, बहुत ही आसान डेरिवेशन है इसकी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन 3 बेसिक प्रोसेसेस के बारे में। इन प्रोसेसेस को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था बेसिक्स ऑफ लेजर, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे जरूर दे दूंगा। वहां पर मैंने आपको इन 3 प्रोसेसेस के बारे में पूरी डिटेल से बताया था। आज मैं इन 3 प्रोसेसेस का सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। इन 3 प्रोसेसेस की डिटेल में आज नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर से देखेंगे कि 3 प्रोसेसेस क्या होती हैं, क्योंकि जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स की डेरिवेशन है वो इन 3 प्रोसेसेस पर ही डिपेंड करती है। तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आइंस्टाइन कोफिशिएंट। आइंस्टाइन कोफिशिएंट को टॉपिक को समझने के लिए आपको इन 3 प्रोसेसेस को 1 by 1 समझना पड़ेगा। उसी के थ्रू हमारी आज के आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, इस डेरिवेशन का जो मकसद है वो निकल पाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पहली उस प्रोसेस से जिसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने 2 एनर्जी स्टेट्स ली हैं किसी भी मैटर की। ये है हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट, जिसको हम ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं, इसकी एनर्जी E1 है। ये है एक्साइटेड स्टेट, अपर एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी है E2। ये है हमारे पास N1 है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। N2 है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड और अपर स्टेट। देखिए स्टूडेंट, इनिशियली क्या होता है, जो N1 जो है वो N2 से ग्रेटर होता है, मीन जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में वो एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट ज्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स, होगा क्या, जब हम बाहर से एक फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे इसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर मेड अप ऑफ फोटोन, दे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, जिनकी एनर्जी होती है एक्चुअली, और उनको बोलते हैं हम फोटोन्स। ये फोटोन्स के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी दी थी प्लैंक्स ने 1900 में। तो प्लैंक्स थ्योरी को बेस मानते हुए आइंस्टाइन कोफिशिएंट की डेरिवेशन की जाएगी। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स फोटोन इंसिडेंट करवाए इस एटम के ऊपर, तो होगा क्या, ये जो एटम ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके चला जाएगा ऊपर। इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए एटम को स्टिमुलेट किया है, ट्रिगर किया है, फोर्स किया है, ताकि वो लोअर एनर्जी स्टेट छोड़ के अपर एनर्जी स्टेट में चला जाए, मीन ग्राउंड स्टेट छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। ये सिनेरियो है बिफोर एब्जॉर्प्शन का, जब हमने फोटोन इंसिडेंट करवाया। फोटोन इंसिडेंट होने के बाद और HNU की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, HNU की वैल्यू जो होगी वो E2 - E1 के बराबर होगी। जितना इन दोनों एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस है, इनकी एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी एनर्जी का फोटोन आपने इंसिडेंट करवाना है, और ये एटम जो है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। और आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा वो ये होगा, वो एटम जो पहले ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था बिफोर एब्जॉर्प्शन, वो आफ्टर एब्जॉर्प्शन चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब स्टूडेंट्स, ये जो कितने एटम्स ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, मतलब कि जो रेट है हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। एक फैक्टर है हमारा N1,
कि आपके ग्राउंड स्टेट में कितने एटम्स प्रेजेंट थे इनिशियली, और दूसरा डिपेंड करता है इंसिडेंट रेडिएशन के एनर्जी डेंसिटी के ऊपर, जिसको हम डिनोट करेंगे ई न्यू से। देखिए स्टूडेंट, एनर्जी डेंसिटी होता है कि कितनी एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की हम एटम के ऊपर फॉल करवा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। हमें एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, बस आपने ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा वो डिपेंड करेगा इन इंसिडेंट एनर्जी की, इंसिडेंट एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। तो दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और इंड्यूस एब्जॉर्प्शन का रेट डिपेंड करेगा, वो है नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, और नंबर टू एनर्जी डेंसिटी कितनी है इंसिडेंट रेडिएशन की। तो स्टूडेंट यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट पहले पॉइंट के अंदर आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे। लेट ई न्यू बी द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हमने मान लिया कि हमने ई न्यू एनर्जी डेंसिटी की रेडिएशन जो है वो यहाँ पर फॉल करवाई है, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड और इंड्यूस एब्जॉर्प्शन, जिसको हम आर एस टी ए से डिनोट करेंगे। आर एस टी ए, एस कैपिटल टी स्मॉल ए कैपिटल, एस टी फॉर स्टिमुलेटेड, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आर एस टी होगा, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन1, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। आप ऊपर मेंशन करेंगे इस टॉपिक की स्टार्टिंग में, एन1 है नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, एन2 है नंबर ऑफ एटम्स इन द अपर स्टेट, और E1 है एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, E2 है एनर्जी ऑफ अपर स्टेट। तो जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, एंड रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन RSTA विल बी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो दोनों फैक्टर्स कंबाइन कर देते हैं, मींस RSTA प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा N1 into EV के, E न्यू के सॉरी। जो एनर्जी डेंसिटी है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होती है इंसिडेंट रेडिएशंस की। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन एट आएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगेगा जो कि होगा B12। जब भी स्टिमुलेटेड वर्ड यूज होगा तब आप आइंसन कॉफिशियंट बी यूज करेंगे, और जब स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज होगा तो हम आइंसन कॉफिशियंट के लिए ए सिंबल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 हो रही है, तो यहाँ पर हम 1-2 लिखेंगे, मीन्स ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2। ये है आइंसन कॉफिशियंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2। तो B12 क्या है यहाँ पर, B12 इज कॉफिशियंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड आइंस्टाइन कॉफिशियंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2। और इस स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए जो आइंस्टाइन कॉफिशियंट होगा उसको हम B12 से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब हम सेकेंड जो प्रोसेस है हमारी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर की, वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन, वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में, वहां से भी इक्वेशन बनाएंगे और ये देखेंगे हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं वो सेकंड प्रोसेस जिसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, और वो प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। इससे पहले जो प्रोसेस हमने डिस्कस करी थी जिसका नाम था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, उसमें हमने क्या किया था, जो एटम ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था उसके ऊपर बाहर से एनर्जी फॉल करवा के जिसके एनर्जी डेंसिटी ई न्यू थी उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया था। ये काम हम पिछले प्रोसेस में कर चुके थे। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, जो एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, क्या ये हमेशा के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहेगा? नो स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एक्साइटेड स्टेट में एटम के रहने का जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, वो होता है 10^-8 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये दो तरीके से ऊपर से नीचे आ सकता है, या तो ये अपने आप आ जाए या फिर इसको बाहर से एनर्जी देके नीचे लाया जाए। तो अगर अब ये अपने आप नीचे आता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में 10^-8 सेकेंड्स ऊपर रहने के बाद अगर अपने आप नीचे आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो एटम एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट था वो अपने आप नीचे आएगा, ऑटोमेटिकली ग्राउंड स्टेट में आएगा, और होगा क्या स्टूडेंट, जब वो नीचे आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा। कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, जितनी एनर्जी का उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया था यहाँ से यहाँ जाने में, और वो उस फोटोन की एनर्जी की वैल्यू थी E2-E1। ये जो फोटोन एमिट होगा E2-E1 एनर्जी का फोटोन एमिट होगा स्टूडेंट्स। ये है बिफोर एमिशन जब एक्साइटेड स्टेट में एटम प्रेजेंट था, ये है आफ्टर एमिशन की पिक्चर जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा, साथ में एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी होगी hν, और hν इज इक्वल टू होगा E2-E1 के। अब स्टूडेंट्स ये जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है, कितने रेट से जो एटम्स का ट्रांजिशन हो रहा है लेवल 2 से लेवल 1 में, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करेगा, और वो फैक्टर होगा कि एक्साइटेड स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, मींस N2 पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहाँ पे हम बाहर से कोई एनर्जी इंसिडेंट नहीं करवा रहे, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो इंसिडेंट एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट थे बिफोर एमिशन। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में आप क्या लिख के आएंगे इस टॉपिक के अंदर। द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन RSPE
S capital P small e capital SP for spontaneous, E for emission. Is directly proportional to RSP, E, rate of spontaneous emission is directly proportional to N2. सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करेगा rate of spontaneous emission, और वो फैक्टर होगा N2, means number of atoms कितने प्रेजेंट थे बिफोर emission excited state के अंदर, जो कि है N2. तो स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी के साइन आएंगे तो अगेन एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगेगा. यहाँ पर हम A21 से डिनोट करेंगे क्योंकि यह स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज हो रहा है. स्पॉन्टेनियस के केस में हम A से डिनोट करेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट को, और A21 होगा हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1. 21 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन जो है वो सेकंड लेवल था फर्स्ट लेवल में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 21 लिखेंगे. और ये है स्टूडेंट्स हमारी सेकंड इक्वेशन. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रोसेस जो की होगी हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन. तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं थर्ड प्रोसेस जिसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और जिसका नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन. स्टिमुलेटेड एमिशन जो है स्टूडेंट वो लेजर लाइट का बेसिक प्रिंसिपल भी है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में हमने क्या किया था, बाहर से एनर्जी फॉल करवा के उस एटम के ऊपर जो कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था उसको हमने एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया था, और बाहर से हमने कितनी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करवाया था, E2-E1 एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करवाया था. अब स्टूडेंट्स वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है, ये हम फर्स्ट प्रोसेस में पढ़ चुके हैं. तो स्टूडेंट्स हमने पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि कैसे वो अपने आप भी नीचे आ सकता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, जिसको हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस नाम दिया था सेकंड पॉइंट के अंदर. तो ये है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन से डिफरेंट है. यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो एक्साइटेड स्टेट में एटम बैठा हुआ है उसको हम जबरदस्ती नीचे लेके आएंगे बाय फॉलिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, और जिसकी वैल्यू होगी E2-E1 के बराबर. जब ये फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है इक्वल टू E2-E1 के बराबर एच न्यू, जब वो फोटोन इस एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए एटम से इंटरेक्ट करेगा तो ये एटम इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, और एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद वो नीचे आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. तो स्टूडेंट जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एक और फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी उतनी ही होगी एच न्यू ही होगी जितनी एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की थी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए. तो स्टूडेंट आपको दो फोटोन देखने को मिलेंगे, एक जो हमारा इंसिडेंट फोटोन था और एक जो हमारा एमिटेड फोटोन है जो कि ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम अपर स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट के कारण प्रोड्यूस हुआ है. तो आपको दो फोटोन देखने को मिलेंगे और ये दोनों फोटोन जो है वो सेम फेस में होंगे. इनका एम्पलीट्यूड, इनकी वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, इनकी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सब कुछ सेम होगा, और ये प्रोड्यूस करेंगे लेजर लाइट. वो हम आज बात नहीं करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स की. तो ये है स्टूडेंट बिफोर एमिशन का सिनेरियो, और ये है आफ्टर एमिशन का सिनेरियो. तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. एक तो डिपेंड करेगा कि आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट थे एक्साइटेड स्टेट में बिफोर एमिशन, और किस बात पर डिपेंड करेगा, और इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी एनर्जी डेंसिटी की रेडिएशन फॉल की हैं इस एटम के ऊपर जो कि एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एन टू के ऊपर और एनर्जी डेंसिटी ई न्यू के ऊपर. तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आप थर्ड पॉइंट के अंदर क्या लिख के आएंगे. द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन आर एस पी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैपिटल टी स्मॉल ई कैपिटल एस टी फॉर स्टिमुलेटेड ई फॉर एमिशन. तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू एन टू, मीन्स कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे एक्साइटेड स्टेट में बिफोर एमिशन. सेकेंड, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन आर एस टी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी ई न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. कितनी एनर्जी की आप फॉल करवा रहे हैं रेडिएशन, इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं ट्रांजिशन कर रहे हैं. तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो N2 के साथ आ जाएगा E न्यू, और प्रोपोर्शनलिटी साइन आएंगे तो यहाँ पर अगेन एक आइंस्टाइन कोफिशिएंट लगेगा जिसको हम डिनोट करेंगे B21 से. 21 इसलिए लगा है क्योंकि ट्रांजिशन हो रही है सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में, और B इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलेटेड है. जब स्पॉन्टेनियस लगा होगा तो A ये लगाना है सिंबल कैपिटल A, और जब स्टिमुलेटेड वर्ड यूज होगा चाहे वो फर्स्ट प्रोसेस हो चाहे वो थर्ड प्रोसेस हो तो हमने B सिंबल यूज करना है. वेयर B21 इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1. B21 कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये हमारा थर्ड आइंस्टाइन कोफिशिएंट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्टिमुलेटेड एमिशन को फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1. तो ये है थर्ड इक्वेशन. अब हम इसके बाद फर्दर डेरिवेशन करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर.
तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शंस में हम तीन इक्वेशंस निकाल चुके हैं। पहले निकाली थी हमने रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन फर्स्ट प्रोसेस के अंदर जो कि थी B12N1E𝑣, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया था। एक थी रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन जिसको इस वैल्यू निकल के आई थी A21N2, इसको हमने सेकंड इक्वेशन दी थी। एक थी थर्ड वाली रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन जिसको जिसकी वैल्यू निकल के आई थी B21N2E𝑣, जिसको हमने थर्ड इक्वेशन दिया था। देखिए स्टूडेंट्स, एटम को हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ एक ही तरीके से भेज सकते हैं और वो था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और जब वो एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो उसके वापस आने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1। और पहला जो वे था वो था स्पॉन्टेनियस एमिशन के, वो अपने आप नीचे आ जाए। और दूसरा वे था एटम के ट्रांजिशन का फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1, वो था स्टिमुलेटेड एमिशन जिसमें हम बाहर से एनर्जी डाल के एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए एटम को ऊपर से नीचे भेजते थे। तो स्टूडेंट थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो ऊपर जाने का रेट होगा वो नीचे आने के जो रेट है हमारे पास, चाहे वो स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट हो चाहे वो स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट हो, उन दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं क्या लिख के आएंगे हम आगे। इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम जो द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ऊपर जाने का जो रेट है विल बी इक्वल टू रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, जो दोनों एमिशन थे, एक था स्पॉन्टेनियस एमिशन एक था स्टिमुलेटेड एमिशन, उन दोनों के रेट के सम के बराबर होगा जो हमारा एब्जॉर्प्शन का रेट था। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, RSTE की जो वैल्यूज हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ इक्वेशन में निकाली थी उसको हम फोर्थ में डालेंगे यूजिंग 1, 2, 3 and 4। तो RSTE की वैल्यूज निकाली थी हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो की थी कि कितने रेट से जो एटम ग्राउंड स्टेट छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे, वो थी B12N1E𝑣। तो हमने यहाँ पर लिख दी RSTE की वैल्यू इक्वल टू RSPE की वैल्यू और प्लस RSTE की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। हमने यहाँ से बेसिकली फाइंड करनी है E𝑣 की वैल्यू। तो जो हमारी E𝑣 वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है हमारी, इसको हम इस साइड ले आते हैं। तो पहले हम लिखेंगे B12N1E𝑣 माइनस B21N2E𝑣, ये मेरे लिए इक्वल टू में बचेगा A21N2। यहाँ से E𝑣 कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट में बचेगा वो लिख दिया हमने। उसके बाद इस ब्रैकेट को हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से B21N2 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो ये पूरी की पूरी टर्म हम बाहर कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके पास तो ये टर्म थी नहीं, तो ये जो B21N2 था इस फर्स्ट टर्म के अपॉन में आ जाएगा। पहले हम B12N1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय B21N2 जो हमने कॉमन लिया है, माइनस यहाँ पे बचेगा 1 क्योंकि ये कॉमन में जा चुका है। यहाँ N2 से N2 कट जाएगा और E𝑣 की वैल्यू निकल जाएगी A21B21 ब्रैकेट स्टार डिनोमिनेटर में B12N1 डिवाइडेड बाय B21N2 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये E𝑣 की वैल्यू आ चुकी है जिसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। और इसको हमने A21B21 अलग से लिख दिया और यहाँ पे जो कट के 1 बचा था वो हमने यहाँ लिख दिया और इसको हमने B12B21 अलग से लिख दिया और N1/N2 हमने अलग से लिख दिया, यहाँ पर -1 साथ में लिख दिया। और अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो हमें दो दो स्टेट जो हमारे पास थी, एक ग्राउंड स्टेट थी एक एक्साइटेड स्टेट थी, उनमें एटम्स थे, ग्राउंड स्टेट में एटम्स थे N1 और एक्साइटेड स्टेट में एटम्स थे N2, उन एटम्स का रेशो क्या होगा ये हमें कौन बताता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताता है। और जो एटम्स का रेशो होगा उन दोनों स्टेट्स में, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो चाहे एक्साइटेड स्टेट हो, उन एटम्स का जो रेशो होगा वो उन एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी पर डिपेंड करता है। और उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशो होगा N1/N2 इक्वल टू होगा E^(E2-E1) डिवाइडेड बाय KBT। टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, KB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, E2 है एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, E1 है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, N1 है नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, N2 है नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। जैसे कि आप जानते हैं जो E2-E1 होगा वो यहाँ पर HNU के बराबर होगा क्योंकि इतनी ही एनर्जी का हम फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स को निकालने के लिए। तो E2-E1 की जगह हम HNU पुट कर देंगे। तो ये आगे हमारी इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, N1/N2 की वैल्यू जो हमारे यहाँ निकल के आई है 6 में, उसको हम डालेंगे 5th इक्वेशन में और फर्दर डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आ चुके हैं हम लास्ट सेक्शन की तरफ जिसमें हम आइंस्टाइन कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स E𝑣 की वैल्यू हम निकाल चुके थे जिसको हमने 5th इक्वेशन दी थी और N1/N2 का जो रेशो था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के से हमने निकाला था जिसको हमने दिया था इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे N1/N2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मीन्स यूजिंग करेंगे 6th इक्वेशन को 5th इक्वेशन में। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, E𝑣 का E𝑣 ऐसे ही रहेगा, A21 B21 हमारा ऐसे ही रहेगा, 1 हमारा ऐसे ही रहेगा, B12 B21 हमारा ऐसे ही रहेगा।
यहाँ पर एन वन अपॉन एन टू की वैल्यू पुट करने वाली करनी है हमने, और एन वन अपॉन एन टू की वैल्यू निकल के आई थी ई की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी, तो हम एन वन अपॉन एन टू की जगह ई की पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के बी टी पुट कर देंगे, माइनस वन हमारा ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स को देते हैं हमने इक्वेशन नंबर 7, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकल के आई है। अब प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसकी डेरिवेशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए स्टूडेंट्स आपने कैसे याद रखना है इसको, सिर्फ यहाँ पर ए टू वन अपॉन बी टू वन है, यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर एट पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब आएगा, बी वन टू बी टू वन जो रेशियो है यहाँ पर उसकी जगह यहाँ पर वन है, यहाँ पे कॉफिशियंट वन है, ये वाली टर्म हमारी ऐसी रहेगी, वन ऊपर ऐसी रहेगा, e की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी माइनस वन हमारा यहाँ पर ऐसी रहेगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है लर्न करना, सिर्फ आपको बाहर की टर्म याद रखनी है और नीचे वाली टर्म तो स्टूडेंट ऐसी ही आएगी, बस बी वन वन टू अपॉन बी टू वन का जो रेशो है यहाँ पर वो मिसिंग है, यहाँ पर वन है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स प्लैंक रेडिएशन लॉ का मॉडिफाई कैसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ई के साथ डॉट में वन लगा सकते हैं, बाकी सारा हमारा रेडिएशन लॉ हमारा ऐसे रहेगा, प्लैंक रेडिएशन लॉ जिसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को कंपेयर करेंगे, ई न्यू है यहाँ पे, यहाँ पे भी ई न्यू है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को कंपेयर करने वाले हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स ये पूरी की पूरी टर्म के बाहर क्या लिखा हुआ है, ए टू वन बाई बी टू वन, वो हमने यहाँ लिख दिया ए टू वन बाई बी टू वन, और इस पूरी की पूरी ब्रैकेट के बाहर, इस पूरी की पूरी टर्म के बाहर क्या लिखा हुआ है, ए पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब, मीन्स हमारी जो ए टू वन बाई बी टू वन का रेशो होगा वो इसके बराबर होगा, ए एट पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब। तो कंपेयरिंग करके हमारे पास फर्स्ट टर्म की कंपेयरिंग करके वहां पर ये रिलेशन निकल गया, ए टू वन और बी टू वन के बीच में, ए टू वन है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, और ये है रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो रेशो उनका ये निकल के आएगा। और अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ई की जो ई का जो कॉफिशियंट है यहाँ पर बी वन टू बाई बी टू वन है, और यहाँ पर जो ई वाली टर्म का जो कॉफिशियंट है वो वन है, तो यहाँ पर कंपेयर करने के बाद बी वन टू अपॉन बी टू वन की वैल्यू वन के बराबर आ जाएगी, और बी वन टू इक्वल टू बी टू वन आ जाएगा। बी वन टू था हमारे पास रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लोअर लेवल टू एक्साइटेड लेवल, और बी टू वन है रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम अपर लेवल टू द ग्राउंड लेवल, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स ये और ये आपका मेन रिजल्ट है, ये दोनों के दोनों यहाँ तक आपने एग्जाम में करके आना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका 4 या 5 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स का क्या होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।